बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब जो सेकंड न्यूमेरिकल है उसके अंदर हमें वो कह रहा है कि व्हाट इज़ द एरिया, मैंने एरिया जगह से क्वेश्चन मार्क कर दिया एंड इट्स अप्रॉक्सीमेट अनसर्टेनिटी और अनसर्टेनिटी इन एरिया। तो अनसर्टेनिटी जो है उसको हम डेल्टा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, थ्योरी के अंदर ये तमाम बातें लिखी हुई हैं। तो अनसर्टेनिटी एरिया में वो भी हमें बतानी है। कह रहा है एक सर्कल है जिसका रेडियस है हमारे पास 3.7 × 4, रेडियस है 3.7 × 4 सेंटीमीटर। तो इसको हम शुरू करते हैं, देखिए किस तरीके से हमने करना है। आसान सा क्वेश्चन है। सोल्यूशन देखिए हमने क्या किया, हम ये बात जानते हैं कि जो एरिया का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है पाई आर स्क्वायर। सो एरिया ऑफ द सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है, मुझे अगर मैं एरिया और प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इन एरिया बताना चाहता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है फिर मुझे मालूम होना चाहिए रेडियस और अनसर्टेनिटी रेडियस में, कि रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी हमारे पास कितनी है। ओके ये बात समझ में आ रही है, इट इज़ वेरी सिंपल। अभी मैंने प्लस से लिखा हुआ, बाद में मैं प्लस माइनस कर दूंगा, उसकी वजह भी बता दूंगा। सो अगर मैं एरिया में प्लस माइनस करता हूँ उसकी अनसर्टेनिटी को, तो फिर मुझे रेडियस और रेडियस की अनसर्टेनिटी भी पता होनी चाहिए। इसके ऊपर स्क्वायर है तो मैंने यहाँ पर स्क्वायर अप्लाई कर दिया। सो क्लियरली नज़र आ रहा है ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। सो पाई और स्क्वायर ब्रैकेट अप्लाई कर देता हूँ, ए स्क्वायर हम जानते हैं प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी डेल्टा आर पे हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। इस तरीके से हमने कर दिया। अब ये जो अनसर्टेनिटी हमारे पास रेडियस में है ये आमतौर पर बहुत छोटी वैल्यू होती है। ये जो रेडियस है वो ऑलरेडी हमारे पास ये वैल्यू लिखी हुई है, तो जब हम उसकी अनसर्टेनिटी निकालते हैं तो वो बहुत स्मॉल वैल्यू बन जाती है। तो इसको आमतौर पर हम क्या कर देते हैं, नेगलेक्ट कर देते हैं। तो हम नेगलेक्ट कर रहे हैं, नेगलेक्टिंग डेल्टा आर पे स्क्वायर। तो मेरे पास अब फार्मूला बन गया पाई और पैरेंथेसिस में मेरे पास है आर स्क्वायर प्लस 2r डेल्टा r, ये मेरे पास आ गया है। ये क्या आया, a प्लस माइनस डेल्टा a। तो इसको भी मैं प्लस माइनस कर देता हूँ। वो प्लस माइनस मैंने शुरू में इसलिए नहीं लगाया, मैं लगा भी सकता था क्योंकि a प्लस b हो या माइनस हो तो ये जो प्रोडक्ट टर्म होती है प्लस माइनस की होती है, ठीक है आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आमतौर पर हम बाद में ये लगा देते हैं, इससे कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा। नाउ अब हमारे पास ये ऑलरेडी कैलकुलेशन के अंदर चला गया, देखिए मैं पाई को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और प्लस माइनस पाई को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2πr डेल्टा r। तो मेरे पास r की वैल्यू तो मौजूद है आप देख रहे हैं, लेकिन मेरे पास डेल्टा r, यहाँ पर जो डेल्टा r है वो मुझे नहीं दिया हुआ। सो डेल्टा r क्या होगा ये अब हम देख लेते हैं। डेल्टा आर मालूम करना बहुत आसान सा काम है, ये हमारे बुक में उसने थ्योरी के अंदर लिखा हुआ है, मैं आपको बता दूं ताकि आप वहाँ से पढ़ सकें, आपको आसानी हो जाए कि जी ये कहाँ पर है ये सारी चीज़ें। तो देखिए ये उसने एक जगह पर डिस्कशन की हुई है और एक उसने एग्जांपल दी हुई है जिसमें उसने वेट की कैलकुलेशन की है पेज नंबर 16 के ऊपर। तो पेज नंबर 16 के ऊपर उसने एक जुमला भी लिखा हुआ है, पहले मैं आपको एक बार बता दूँ फिर आगे चलते हैं। देखिए अगर मैंने रेडियस कैलकुलेट किया 3.7 × 4, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि मेरे पास जो स्केल है वो कुछ ऐसा है कि उस स्केल में सबसे पहले वैल्यू लिखी हुई है 0, 0 के बाद अगली लिखी हुई है 0.1, फिर लिखी है 0.2, फिर लिखी हुई है 0.3 और चलते चले जाएं तो 0.9 और 1.0, उसके बाद होगा 1.1, 1.2 और चलते चले जाएं तो 1.9, 2.0 और फिर होगा 2.1 और करते करते हम आ गए कितने पे 2.9 और उसके बाद हमारे पास होगा 3.0, उसके बाद होगा 3.1 और करते करते हमने कौन सी वैल्यू पे चले गए हैं, ये है 3.7, यहाँ इस वैल्यू पे चले गए। और हर वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट 4, हर वैल्यू के साथ एक्सपोनेंट 4 हमारे पास लिखा हुआ है। तो इसका मतलब है 3.7 × 4 ये वो रेडियस की वैल्यू के जो कि उसने कैलकुलेट की है। तो अब हमारे पास इस स्केल को अगर मैं देखूँ तो जीरो के बाद जो अगली वैल्यू आपको नजर आ रही है वो क्या नजर आ रही है, वो आ रही है 0.1 × 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से 0.1 का मतलब ये हुआ कि ये है हमारे पास लीस्ट काउंट। देखें इस जुमले का मतलब ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, काउंट का मतलब है जिसको हम गिन सकते हैं। तो अगर मेरे पास ये वाला स्केल मौजूद है तो मैं जीरो के बाद अगली वैल्यू जो काउंट कर सकता हूँ वो 0.1 कर सकता हूँ ना। 0 से 0.1 के दरमियान में अगर कोई वैल्यू आ रही है तो मैं उसको मेजर नहीं कर सकता। अगर आप अपने घर में अपने पास जो स्केल है उसको आप देखिए सेंटीमीटर का स्केल, तो सेंटीमीटर स्केल में सबसे पहले लिखा होगा 0 और 0 के बाद होगा
10 लाइनें होंगी और फिर 1 लिखा होगा, तो एक लाइन किसके बराबर है, 0.1, फिर 0.2, 0.3 करते करते आप 1 सेंटीमीटर के ऊपर आए हैं। ये मेरी बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से मेरा स्केल 0 से 0.1 है, सो दिस इज द लीस्ट काउंट। तो क्लियरली मुझे नजर आ रहा है कि मेरा जो लीस्ट काउंट है वो है 0.1 एक्सपोनेंट 4। अब अगर आप बुक में पेज नंबर 16 के ऊपर जाते हैं तो वहां पे उसने एक लाइन लिखी हुई है, बकायदा कह रहा है, इन जर्नल द अनसर्टेनिटी इन अ सिंगल मेजरमेंट फ्रॉम ए सिंगल इंस्ट्रूमेंट इज हाफ द लीस्ट काउंट। अगर आप एक सिंगल इंस्ट्रूमेंट के जरिए कोई मेजरमेंट कर रहे हैं तो आपकी अनसर्टेनिटी हमेशा लीस्ट काउंट का हाफ होती है। यानी अगर मैं लिख रहा हूं अनसर्टेनिटी तो मुझे अनसर्टेनिटी क्या लिखना चाहिए, जो भी लीस्ट काउंट है इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो अब मुझे बताइए, अगर मुझे अनसर्टेनिटी रेडियस में लिखनी है तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है या जो मेरा स्केल है वो मिनिमम उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है, 0.1 एक्सपोनेंट 4 है, इट शुड बी डिवाइडेड बाय 2। तो जब मैं इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो 0.05, 0.1 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो 0.05 एंड एक्सपोनेंट 4। तो ये आ गई मेरे पास किस में अनसर्टेनिटी, ये मेरे पास आ गई रेडियस के अंदर अनसर्टेनिटी। तो मेरा ख्याल आपको ये समझ में आ गया होगा कि रेडियस की अनसर्टेनिटी निकालनी कैसे। इस क्वेश्चन में पूरी जो जान है वो इस बात, इस कॉन्सेप्ट की है। ज़्यादातर लोगों को ये बात समझ में नहीं आ रही कि ये रेडियस की अनसर्टेनिटी आएगी कैसे। आई बिलीव सो कि आपकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, मेरे पास कैलकुलेटर है, इसमें कैलकुलेटर में मैं देख लेता हूँ कि क्या मैंने 0.1 डिवाइडेड बाय 2 किया। हाँ यस, 0.05 ही बनता है मेरे पास। एग्रीड। सो अब मैंने क्या करना है, यहां पे लाके वैल्यूज को पुट करना है। तो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो सारा काम है अब मैं इसको यहां पर कर लेता हूं, आपको नजर आ रहा होगा। सो इस इक्वेशन में यानी a प्लस माइनस डेल्टा a इज इक्वल टू, मेरे पास पाई है, पाई की वैल्यू होती है 3.142 मल्टीप्लाई बाय r स्क्वायर है मेरे पास, तो r की वैल्यू है मेरे पास 3.7 एक्सपोनेंट 4, और उसके ऊपर r पे स्क्वायर है तो स्क्वायर अप्लाई किया। फिर मेरा प्लस माइनस है तो मैंने प्लस माइनस लगाया, फिर 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई की वैल्यू 3.142 मल्टीप्लाई बाय r है, r की वैल्यू है मेरे पास 3.7 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय, फिर डेल्टा r है, तो मैं ज़रा माजरत के साथ ऐसे करके लिख देता हूँ। ठीक है, सो डेल्टा r मैं कितना निकाल चुका हूँ, मेरे पास है 0.05 एक्सपोनेंट 4। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज इन सबको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। मेरा ख्याल है ये सब काम आप कर सकते हैं, ये आसान सा काम है। सो 3.142 मल्टीप्लाई बाय पैरेंथेसिस मैंने लगाया, इसी तरीके से मैं लिख रहा हूँ 3.7 एक्सपोनेंट 4 ब्रैकेट क्लोज, और उस पर स्क्वायर अप्लाई किया, तो ये वैल्यू मेरे पास बहुत बड़ी वैल्यू आ रही है, इसमें इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहा हूँ। तो साइंटिफिक नोटेशन में होता है ये, कैलकुलेटर के नीचे वाली जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ई एन जी का बटन है, उसको दबाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको दे देगा। ठीक है, साइंटिफिक नोटेशन में, तो उसने साइंटिफिक नोटेशन में जो मुझे आंसर दिया है वो दिया है 4.30 एक्सपोनेंट 9 प्लस माइनस। अब प्लस माइनस, अब ये सब चीज़ मैं कैलकुलेट करने वाला हूँ, तो इसको भी मैं इसी तरीके से लिखूंगा। ठीक है, मेरा ख्याल इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, अब ये जो नेक्स्ट वैल्यू है इसको भी मैं इसी तरीके से लिख रहा हूँ प्लस माइनस करके, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.142, फिर हमने मल्टीप्लाई किया 3.7 एक्सपोनेंट 4 मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू लिखी हुई है 0.05, और एक्सपोनेंट 4 किया, तो ये आंसर फिर उसी तरीके से एक बड़ा सा आंसर है, मैंने ई एन जी का बटन दबाया तो ये मेरे पास लिखा हुआ रहा है 116.25 10^6, ऐसे करके लिखा रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉइंट को 1, 2, 3 तीन डिजिट यहाँ लेकर आ रहा हूँ, तो 0.11 10^6 की जगह पे कितना हो जाएगा मेरे पास, 9 हो जाएगा। पॉइंट जब भी लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करता है तो पावर पॉजिटिव में इंक्रीज होती है, ये बात हम लोग बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, ओके जनाब, सो ये मेरे पास कितना हो गया, ये मेरे पास हो गया 0.11 एक्सपोनेंट 9। अच्छा हाँ, ये भी आप सोच सकते हैं ना कि ये मैं आखिर ये मैंने किया क्यों, ये मैंने इसलिए किया ताकि दोनों में एक्सपोनेंट 9 आ जाए। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 4.30 प्लस माइनस 0.11 ब्रैकेट को क्लोज करके इनटू एक्सपोनेंट 9 कर दूं, क्या मैं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे कर सकता हूँ सुकून से। ठीक है, और ये मेरे पास क्या आ गया, a प्लस माइनस डेल्टा a, सो दिस इज माय आंसर। तो इस ये इट इज़ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल,
इस न्यूमेरिकल में मेरा ख्याल है ये सारी बात आपकी समझ में आ गई होगी। द ओनली थिंग या ओनली कॉन्सेप्ट इन दिस न्यूमेरिकल इज के हाउ टू कैलकुलेट दी अनसर्टेनिटी इन द रेडियस। सो इट इज़ वेरी सिंपल, पेज नंबर 16 पे वी हैव गिवन के फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट द लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट बाय दिस मेजरमेंट इज क्लियरली कि वो कम से कम वैल्यू जो मैं स्केल से मेजर कर सकता हूँ, और वो नजर आ रहा है मेरे पास कि वो 0.1 था। एंड देन द अनसर्टेनिटी उसने पेज नंबर 16 में बताया हुआ है इज हाफ द लीस्ट काउंट, मैंने हाफ द लीस्ट काउंट किया, सो दिस इज द अनसर्टेनिटी। आई बिलीव सो समझ में आ गया, बट इफ यू फील देयर इज एनी कंफ्यूजन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट, इंशाल्लाह आई विल गिव यू आंसर। थैंक यू सो मच।